एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया उसमें इनको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली। सर गवर्नमेंट जॉब का तो ये कि जब बीकानेर से गांव आता था तो देखता था कि तो अपने से नहीं होगा, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, स्वागत आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वापस से। तो आज हम लोग एक प्रतिभा से मिलने जा रहे हैं और नाम है विक्रमजीत। अभी रिसेंटली 2022 का जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया उसमें इनको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली है। थोड़ा सा हम लोग विक्रमजीत से जानना चाहते हैं कि इतने ग्रामीण बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी उन्होंने इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया। तो सबसे पहले विक्रमजीत, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड ग्रामीण परिवेश से है, तो किस गाँव से, किस एरिया से बिलोंग करते हो आप, थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताएं। सबसे पहले तो सर थैंक यू जो आपने बुलाया, और जो देख रहे हैं उनका भी थैंक यू। सर मेरा नाम विक्रमजीत है और गांव का नाम है महराणा, तहसील वादरा, जिला हनुमानगढ़। प्रॉपर बिल्कुल ग्रामीण परिवेश हरियाणा में टच, हरियाणा के टच करता है मेरा गांव। और मैंने स्कूलिंग की सर 10th तक गांव में पढ़ा मैं, और 11th और 12th में मैं तारानगर पढ़ा। अच्छा, तो मतलब आपकी ग्रामीण की स्कूलिंग, बचपन की स्कूलिंग ग्रामीण परिवेश से रही, सरकारी स्कूल में रही है? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और 12वीं तक भी आप वहीं पे पढ़े हुए उसी एरिया में? हाँ, मैं तारानगर पढ़ा था 11। 12वीं बाद आगे ग्रेजुएशन वगैरह में क्या किया आपने थोड़ा सा? सर 12वीं मैंने मैथ से की, पीसीएम से, और उसके बाद बीकानेर का जो डूंगर कॉलेज है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ बीएससी के अंदर। ठीक है, तो मैंने बीएससी की 3 साल डूंगर कॉलेज से। फिर उसके बाद में आपने पहली बार कब दिमाग में आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, कि आगे या कहीं प्राइवेट में जाना है या किस फील्ड में जाना है, ये फर्स्ट टाइम कब दिमाग में क्लिक किया? सर गवर्नमेंट जॉब का तो ये कि जब बीकानेर से गांव आता था तो देखता था कि गांव के लड़के या फिर थोड़ी बड़ी एज के वो सारे आसपास के शहरों में काम करने जा रहे हैं, तो सीधा सीधा दिमाग में आया कि ये तो अपने से नहीं होगा, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर घर वाले मेहनत करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये काम नहीं करने का मेरे को। सही है। तो उसके बाद जब कॉलेज में था तो मेरे एक दो दोस्त ने बताया, विपुल नाम है उनका, विपुल शर्मा, वो पढ़ रहे थे आपके पास, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, कोचिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा था कि मेरी मैथ्स वगैरह अच्छी थोड़ी बहुत, मतलब मैं कर लेता था, तो उन्होंने बताया। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया आपके पास सर। अच्छा, तो जैसे अपने तैयारी हुई, तो मेरे को जहाँ तक याद है कि आपकी 2019 का जो बैच था, 2019 का जो पेपर था सीजल का, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल जोश के साथ, कि उस 2019 के पेपर में विक्रमजीत की प्री के अंदर ऑल इंडिया 100 रैंक थी, पूरे हिंदुस्तान में 100 टॉप 100 के अंदर था, 184 मार्क्स साथ। पर क्या होता है कि कभी भगवान को कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मंजूर नहीं होती। उस समय आप गौर करो कि ऑल इंडिया टॉप 100 प्री के बावजूद भी विक्रमजीत फाइनल सिलेक्शन से वंचित रह गया। मेंस के अंदर, मैथ्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन जो कि एक बड़ी विकट प्रक्रिया है एसएससी के अंदर, रिसेंट अभी भी जो 22 का रिजल्ट है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर कहें तो पता नहीं किसके नंबर बढ़े हैं, किसके कम हुए, तो उस कारण से विक्रमजीत लास्ट सिलेक्शन से वंचित रह गया ऑल इंडिया टॉप 100 प्री में होने के बावजूद भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ विक्रमजीत, उस इतने भयंकर डीमोटिवेशन के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला और वापस आके तैयारी कैसे जारी रखी? सर मेंस में प्री में 184 थे, मेंस में मैथ्स में थे 187 मार्क्स। और देखो दोस्तों 187 मार्क्स के बाद मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो सीधा बाहर मारा सर मेरे को फेंक बाहर मारा फेंक के उसके बाद ऐसा लगा था कि इससे फालतू क्या नंबर लेके आ सकता है कोई, कि हाँ आपके इतने इतने नंबर आ रहे हैं उसके बाद भी आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो काफ़ी दिन वो चीज़ रही। लेकिन वो था कि उस टाइम दादाजी साथ थे, उन्होंने बताया, उनको मैंने बताया कि ये हो गया, तो उनका यही था कि दादाजी से, देखो मेरी भी बहुत बार बात होती थी विक्रमजीत के, और ये जब भी गांव जाता दादाजी से जरूर बात कराता था, और बड़े अच्छे स्वभाव के एकदम हंसमुख, और कहता बेटा ध्यान रखना, अपने छोरो अपने टाबर है, मैं बिल्कुल दादाजी से निश्चिंत रहो, बिल्कुल अपने छोटो भाई आ दिया बिल्कुल, तो वो चीज़ें तो देखो मुझे भी याद है। और कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन थे दादाजी जब विक्रमजीत के लिए कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो कोई ना कोई मोटिवेशन का पुंज रहता है। तो मेरे हिसाब से मेरे जो आगमन जा रहा है आपके लिए दादाजी रहे होंगे, वही थे सर, अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी 2007 में सर। उस टाइम मेरे को तो मतलब ऐसे ध्यान में नहीं है कि क्या था उस टाइम क्या नहीं था, मैं 8-9 साल का था, तो उन्होंने ही संभाला, उन्होंने ही पाला और उन्होंने ही पढ़ाया, क्योंकि माँ बाप हर किसी अपने बच्चे के लिए करता है, लेकिन दादा दादी करे वो बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के नहीं इतने अच्छे नहीं होते, तो उन्होंने किया मेरे। तो वहाँ से जैसे अपने एक बार मेंस रह गया, उसके बाद वापस आपने तैयारी के लिए कैसे हिम्मत उठाई? वापस सर फिर मैं उसके बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई और मतलब उनकी डेथ भी हो गई, तो मैं बिल्कुल ये था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा दिमाग ऐसे था कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ अंदर से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ सर अगर आप तैयारी कर रहे हैं और एक बार बाहर होते हैं अच्छे नंबरों के बावजूद भी,
तो ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा कि मैं फिर करूँगा क्या, करूँगा क्या अगर मैं ये दलदल है सर, ये दलदल में घुस जाने के बाद अगर आप बिल्कुल देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 12 घंटे 8 से 12 घंटे आप प्राइवेट जॉब करते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे विक्रमजीत का लोग बाहर काम करने जाते थे, तो विक्रमजीत ने चॉइस चूज़ किया कि उसकी बजाय मैं 8 से 12 घंटे काम करने के बजाय मैं खुद के लिए 8 से 12 घंटे दूंगा और मैं पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेके जाऊँगा। तो वही एक कंटिन्यूटी इन्होंने जारी रखी और आगे इस साल वाला जैसे रिजल्ट था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कम पे रह जाओगे। विक्रमजीत तो मतलब मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट में, प्रिय छात्रों में से छोटे भाई की तरह, इसको मैंने बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखा और पहले साल ही मुझे पता था ये बहुत अच्छा स्कोर करेगा। पर मैं कह रहा, आपने हमेशा कहता है ऊपर वाले की मर्जी के आगे अपना कोई चलती नहीं है, वो कह रहा ऊपर वाला जैसा चाहता है वही होता है और वो हमेशा अच्छा ही चाहता है हमारे लिए, कहीं ना कहीं हिडन उसकी अच्छाई होती है जो अपने को पता नहीं चलता, बाद में पता चलती है बिल्कुल। तो इस साल विक्रमजीत का 19,000 के आसपास रैंक है SSC के अंदर और पोस्टल असिस्टेंट मिला है। तो थोड़ा सा पोस्टल असिस्टेंट के बारे में अगर आपको पता है पहले से कैसी जॉब प्रोफाइल है, वो बच्चों को आगे SSC के अंदर भी कैसे तैयारी करनी चाहिए कि हिम्मत नहीं हारते वो फिर से एक बार और अच्छी रैंक लाएं। मैं पढ़ाई के बारे में सर इतना बोलूँगा कि मेहनत की हुई कभी ख़राब नहीं जाती, मैं लिख के देता हूँ इस बात को, मेहनत की हुई कभी ख़राब नहीं जाती। चाहे आपने कभी पढ़ा, 2 साल पहले पढ़ा, 4 साल पहले पढ़ा, लेकिन वो हमेशा ही काम आएगा और छोड़ना नहीं चाहिए सर, लगे रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ काम आती है और आपकी भगवान सुनता है, वक्त लगता है। मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने वाला स्टूडेंट हर वैकेंसी में नौकरी के नज़दीक जाता है सर, सक्सेस के नज़दीक जाता है, लेकिन जिस दिन उसका दिन होता है वो अंदर होता है और जिस दिन दिन नहीं होता तो बाहर मारते हैं फेंक के, कोई सिलेक्शन नहीं होता, दिन पर बात है, जो जब दिन होता है उसी दिन तो ये बात है। कहीं ना कहीं किस्मत ज़रूर आपका एक फैक्टर रहती है दोस्तों, और मेहनत अल्टीमेटली हमेशा आपको काम देगी, हमेशा आपका साथ देगी। जैसा कि हमने विक्रमजीत सर सीखा आज कि आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें, हिम्मत नहीं आ रहे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ विक्रमजीत अगली बार अच्छी पोस्ट के साथ, इंस्पेक्टर पोस्ट साथ फिर से मेरे साथ आएगा इसी चैनल के ऊपर और नेक्स्ट बार और अच्छे से अपन इस इंटरव्यू को और डिटेल करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में PA और सेकेंड अटैम्प्ट में इंस्पेक्टर, नहीं क्या? तो क्या कहना है विक्रमजीत इस बारे में? छोड़ना नहीं है सर, ये छोड़ना तो शुरुआत है, ये तो है ना पहला स्टेप है अभी। तो मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन है अपना विक्रमजीत भाई, हमेशा सिद्धू मूसेवाले के स्टेटस इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैंने हमेशा सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग देखे, डाई हार्ड फैन होता है ना वो सिद्धू मूसेवाला के। तो मोटिवेशन जैसे पूछा जाए कि मोटिवेशन क्या रहे, कोई सिद्धू मूसेवाला कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहा है आपके लिए? मैं ये मानता हूँ सर, अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं तो उससे कुछ सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि वो अगर 4 कमरों के मकान से खड़ा होगी इतना कुछ नाम कमा सकता है कि आज पूरी दुनिया जानती है उसको। बिल्कुल, बाकी जो 20-20 साल से इंडस्ट्री में सिंगर थे उनको सबको पीछे छोड़ दिया सिर्फ 4 साल के कैरियर में, तो बहुत बड़ी बात होती है सर। और वो कमाया जो मतलब लोग 50-50 साल में नहीं कमा पाए, वो कमा के चला गया सर। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं आगे विक्रम, जिससे कि ग्रामीण बच्चे जो उस एरिया के बच्चे आपका आस पड़ोस के बच्चे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि भाई वो जो हनुमानगढ़ का एरिया है वो मोस्टली क्या कृषि प्रधान एरिया है, ज़्यादातर खेती वाले लोग हैं, उनका इतना नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए, अपना खेती बाड़ी करके वहीं संतुष्ट हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी आपकी क्या राय है, उस एरिया को कैसे डेवलप किया जाए या उस एरिया के लोगों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? वैसे सर खेती ज़रूर करते हैं लोग, लेकिन ऐसे नहीं है कि मतलब बैकवर्ड एरिया नहीं है, क्योंकि हरियाणा के टच में रह गया पर खेतों में पानी लगता है, सारा सिस्टम है। लेकिन मैंने जो देखा है गाँव में कि कम से कम 20-25 लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो जेन्युइन मेहनत करते हैं, लगातार मिलकर, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं है सर। किसी ने बोला फलानी ये किताब लिया, वो लिया, ये नोट्स पढ़ लो, वो पढ़ लिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं। तो मैं चाहूँ कि मतलब मैं कुछ करूँ सर, मैं प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊँ कि हाँ, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, कि मैं कुछ बस गाइडेंस दे पाऊँ और इतना करूँ। देखो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर एक बार सफल हो गए तो आप अपने गाँव को, अपनी मिट्टी को ना भूलें। तो विक्रमजीत भी ये है कि अपनी मिट्टी को नहीं भूलते, अपने आस पड़ोस के जितने भी भाई बहन हैं इनके छोटे, उनको लगातार अपनी गाइडेंस देता रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बताओ आप सभी बच्चों को कि भाई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है, ना ही SSC बैंक LDC राजस्थान के कोई भी लेवल के एग्ज़ाम है, उनके बारे में आप बच्चों को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे, ठीक है साथियों? तो फिर मिलते हैं अपने वापस, इसी तरह अपने कंटिन्यू रहेगा इंटरव्यू का सिलसिला। जय हिंद, जय भारत।